अस्सलाम वालेकुम टीम विकेट, कैसे हैं आप लोग? तो शेरा हमारे पास आ चुका है। शेरा ठीक हो? नहीं, शेरा बदतमीज हो गया बहुत। गाइस, खैर गाइस, आज की वीडियो थोड़ी आपके लिए, थोड़ी मेरे लिए काफ़ी, मतलब ज़्यादा सैड है। तो शेरा आप बताओ, क्या वीडियो आज दें हम गाइस को? स्पूकी शेल हो गई। स्पूकी शेल हो गई, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। कहना पड़ रहा है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। बट खैर गाइज, मुझे नहीं पता था ऑटो शो आ रहा है तो मैंने क्यों गाड़ी बेच दी, बट कोई हल भी नहीं था हमारे पास। अब मैं आपको बताता हूँ स्पूकी सेल हुई कैसे और हुआ क्या था। हुआ कुछ यूँ कि इलेक्शन करीब थे। नहीं नहीं मजाक करूँ, ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं। बस स्पूकी मैंने अपने एक दोस्त के थ्रू ली थी, मतलब दोस्त से ही ली थी। तो स्पूकी मैंने इस तरह ली थी कि मेरे दोस्त को गाड़ियों का थोड़ा बहुत शौक था, तो उसने ली थी कोई प्रोजेक्ट का टाइप। तो उसने गाड़ी ली लेकिन उसके घर वालों को पसंद नहीं आई, तो उसने कहा जी मैंने गाड़ी अर्जेंट सेल करनी, आप लेते हो? तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे दे दो गाड़ी। तो इस तरह इत्तफाकन, हादसातन, किधर गई दिस ब्यूटी केम इन माई लाइफ। और रिंग लाइट नजर आ रही है, दिस ब्यूटी केम इन माई लाइफ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, तो इस तरह स्पूकी मेरी जिंदगी में आई। फिर जी हमने लिटरली दिन रात कुछ नहीं पता, मैं रात को सो रहा हूँ तो मैं इंस्टा पे देख रहा हूँ कि यार और क्या करें गाड़ी में, और मतलब क्या किया जा सकता है गाड़ी में, किस तरह गाड़ी को प्यारा बनाए। और मतलब सबसे प्यारी तो नहीं लेकिन हर किसी की तो उसकी गाड़ी सबसे प्यारी होती है, ये बात तो आपको भी पता होगी। लेकिन द पीपल लाइक मी, उनके लिए इस तरह का होता है कि गाड़ी ही है जो है, मतलब ये है। तो अगर मैं इसको गिनना शुरू करूँ कि 2 लाख किसकी ये जाएगी और एक हाथ अगर हम इसका निकाल के बेच दें तो मैं एयर सस्पेंशन लगवा लूँ अपनी गाड़ी में, लेकिन अब सगा भाई है कुछ कर भी नहीं सकते। तो बस इसी तरह की बातें हैं हमारे लिए, सब सब कुछ हमारी गाड़ी होती है। तो अच्छा, स्पूकी से पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे लेकिन वो मेरा बड़ा भाई करता था तो मेरा उसमें इतना इंटरफेयर होता नहीं था। स्पूकी मेरा अपना पर्सनल पहला प्रोजेक्ट था जो खरीद के, परचेज मेरे भाई ने किया था, लेकिन उसको तैयार वगैरह क्या करना है, कार्बन फाइबर करना है नहीं करना, रैप, कलर, पिकाचू, वो सब मेरा डिसीजन होता था। तो स्पूकी मेरी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट था, बट था दिल रो रहा है मेरा ये कहते हुए कि स्पूकी प्रोजेक्ट था, जबकि मैं कहता था कि मैंने कभी ये गाड़ी बेचनी नहीं है। तो पहले मरहले में सीन कुछ ऐसा होता है कि मेरे दोस्त के आती है मुझे कॉल हफ्ता पहले कि ब्रदर गाड़ी चाहिए आपकी। मैंने कहा सॉरी, कहता व्हाट सॉरी, मैंने कहा सॉरी सॉरी, कहता नहीं व्हाट वे, मैंने कहा रणु आई डो नॉट बिलीव यू रणु, व्हाट वे, लिसन रणु, वे व्हाट वे, आई प्रॉमिस यू रणु आई विल कम बैक सून रणु, पंछी ते परदेसी, आई मीन बर्ड्स एंड पैसेंजर्स आर नेवर बैक, वे यू आर अ ग्रेट लायर, आई डोंट बिलीव यू, की पई स्पीक नी रणु, जस्ट यू शट अप, वे तू अब शट अप वे, मतलब इस तरह करके मैंने उसको मजाक मजाक में कह दिया कि भाई मैं गाड़ी नहीं दे सकता, मैं इस टाइम मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ गाड़ी देने में। तो गाड़ी अगर आपने लेनी मुझे महीना पहले बताओ ताकि मैं एक माइंड में रखूँ कि यार एक चीज़ जाने वाली है लाइफ से। तो खैर डील ख़त्म हो गई हमारी, तो मतलब ना जो मैंने पैसे डिमांड की ना उसको समझ आई, वो सीन हो गया। इन शॉर्ट करके आपको थोड़ा बता दो थोड़ा सा। तो फिर ऐसा हुआ कि अचानक वो आ गया, मुझे नहीं पता था। एक रात मैं स्पूकी मेरे घर के अंदर और मैं अपने कमरे में सोया हूँ, इस ताजमहल में मैं सोया हूँ और स्पूकी मेरे घर के गैराज में। मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं था कि कल स्पूकी नहीं होगी, मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं था। तो अब होता ऐसा है कि उसकी आती है कॉल मुझे शाम को कि ब्रदर मैं आपके भाई की शॉप पर हूँ, जिनको नहीं पता फ़ोन लिंक्स, तो मैं जाता हूँ उधर। तो ना बस वो भाई बैठे होते हैं, तला फारूक भाई, जिनसे मैंने गाड़ी परचेज़ की थी लेकिन बिल्कुल स्टॉक हालत में। अगर आपने देखी हो वो स्पूकी पे जब वो कमिंग सून वगैरह लिखा हुआ था पिछले दिनों, उसी हालत में मैंने उससे गाड़ी ली थी। तो
बस गाड़ी वो कहते जी एक गाड़ी साल दो, हुआ। मोर देन ईयर, 1 साल 3 महीने, एक दिन साल कितने? 3 महीने 13 दिन 44 घंटे, 15 साल 4 महीने 10 दिन। बट खैर जो भी था, फिर भी फिर चार हमने महीने स्कूकी को इस लुक में लेके आए। बहुत प्यारी लुक निकली थी। इस लुक के अंदर हमने स्कूकी के इंडिकेटर्स चेंज किए, रिम्स चेंज किए, बम्पर कस्टमाइज बनवाया 101 पाकिस्तान, बहुत प्यारा बम्पर था। मतलब काफ़ी कुछ जी, जिसकी इंटीरियर हमने कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया, जो आप में से किसी ने भी नहीं देखा। इवन मैंने भी इतना उसका आउट नहीं किया था, क्योंकि अभी भी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज मेरे ख्याल से डेट है मेरे ख्याल से 12th of January है, तो तब भी गाड़ी को अभी तक 1 महीना नहीं हुआ पेंट हुए हुए, तो काफ़ी मतलब मुझे लगता है जल्दी बेच दी गाड़ी। बस वो उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी के और क्या करते। ऊपर से उन्होंने एक बेहतरीन स्कीम जो की है वो मुझे ये लगी है कि भाई के पास अपनी घर में जाती गाड़ी है, लेकिन जान पूछ के भाई रक्षे पे आए कि मैं तो गाड़ी लेके वापस जाऊंगा। मैंने कहा यार अब अच्छा भी नहीं लगता, बट खैर मैंने उनको ये भी ऑफर करवाई कि मैं आपको स्पूकी पे ही आपके घर तक छोड़ के आ जाता हूँ अगर आपको इतने, लेकिन मैं गाड़ी नहीं दे सकता ब्रदर। लेकिन समहाउ चली गई स्पूकी। अब मेरा और स्पूकी के कनेक्शन पे बात करते हैं, तो एक छोटी सी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो लोग अपने रूम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखते होंगे, परफ्यूम्स वगैरह, क्योंकि डेकोरेशन की अपनी पिक्चर्स लगा ली। मेरे रूम में सारे स्पूकी के फ्रेम्स हैं, मेरी अपनी कुछ भी नहीं है। मैंने लिटरली उसका ये स्टेनलेस स्टील का एक एग्जॉस्ट की टिप लगवाई थी, ये मेरे पास अभी तक मेरे रूम में संभाल के पड़ी है। ये नहीं कि कहीं दराज वगैरह में पड़ी है, नहीं, आप मैं आपको दिखाऊँ बिल्कुल सामने। उसके बाद ज़्यादातर कपल्स बनाते हैं ये पेंटिंग, हमने बनाई ये पेंटिंग स्पूकी के साथ। मेरा हाथ है और इस स्पूकी के टायर हैं जो उस पर क्रांजे लगा हुआ था। 12th October 2022 मेरी ज़िंदगी बदल गई थी, खुशी आई थी मेरी ज़िंदगी में, बहुत 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 बड़ी खुशी, लिटरली लाइफ चेंजिंग भाई, लाइफ चेंजिंग। और इतफाक ऐसा हुआ है कि मेरे पास ये एक नंबर प्लेट पड़ी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था राफेज़ EG, और ये नंबर प्लेट मेरे से गिर के टूटी है, और वो भी इस तरह टूटी है कि राफे अलग हो गया और EG अलग हो गया। बाय गॉड मैंने इसको खुद नहीं तोड़ा, ये इतफाकन खुद टूटी और इससे EG अलग हो गया। खैर अल्लाह के इशारे अपने समझे। ये कुछ सर्टिफिकेट्स उसके दो, क्योंकि अभी तक दो ऑटो शोज भी गई थी। अब स्पूकी मेरा कनेक्शन इस तरह का था कि यार कुछ भी ना हो, ना कुछ भी ना हो, मैं लिटरली अगर बोर हो रहा हूँ तो स्पूकी मेरा कनेक्शन मतलब अनएक्सप्लेनेबल। मैं आपको कोई एग्जांपल नहीं दे सकता कि मेरा मेरा प्यार, मेरी दुल्हन, इस तरह का बिल्कुल भी, बस इस तरह का था कि अगर मेरे दिमाग में कोई बात चल रही है, आपका भाई पार्ट टाइम ओवर थिंकर भी है, तो मैंने स्पूकी में बैठना है, उसके स्टेयरिंग पकड़ना है, और मैंने सारी दिल की बातें निकाल देनी है। आप वो सुन रही है, वो नहीं सुन रही है, मुझे नहीं पता। बहरहाल आपको ये बात शायद इमैच्योर से लगे, लेकिन मुझे ऐसा फील होता था कि स्पूकी मेरी बातों पर रिएक्ट करती है। पता नहीं आप मुझे सोचिए क्या लगे कि अरे बच्चा पागल हो गया वो। और मतलब जब मूड खराब होना गाड़ी लेके निकल जाओ, आप कहीं भी निकल जाओ, पुरानी गाड़ियाँ तंग करती हैं आपको, कभी बंद हो जाए, इस तरह के मसले होते हैं। इस तरह के मसलों पे कभी मैंने नोट नहीं, अगर कोई मुझे बोले कि तुम्हारी गाड़ी बंद हो जाती, तो मैंने कभी इसको इतना सीरियस लिया नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है पुरानी गाड़ियाँ वो बंद हो जाती हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जितना मर्जी आप मेंटेन रख लो, वो तंग करती ज़रूर है। और दुख है कि स्पूकी अब नहीं है, नाउ जैसी कोई आएगी, बट द गुड थिंग इज़ कि हमने अपग्रेड किया। अगर मैं इमोशनली सोचूं तो मैं शायद कभी भी ना सेल करता, या मैं स्टेप ये कभी भी ना लेता, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचें तो स्पूकी पे आप जितना मर्जी पैसा वगैरह लगाओ, जाहिर सी बात है पैसा तो लगता है गाड़ी पे, लेकिन उसकी एक वर्थ है उस गाड़ी की, वो वही रहनी थी। उसको वर्थ से कुछ नहीं होता कि अगर मैंने उसको वाइट कर दिया, मैंने उसको ब्लैक कर दिया, उससे उसकी वर्थ को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं स्कूकी सेल करके मैं ईके पे आ रहा हूँ, और मैं ईके पे कोई भी काम करवाता हूँ, तो उसकी वर्थ में इजाफा करता है। जैसे अगर मैं अब ईके को पेंट करवाऊँ और सेल करूँ, मेरी ईके जितने के लिए उससे अच्छी बिक सकती है। बट वन स्टेप मोर क्लोजर टू GTR माई गोल्स, लेकिन उस गोल के लिए स्पूकी की कुर्बानी देनी पड़ी है, इस बात का मुझे शदीद दुख है। और बस एक ये आपकी लाइफ में होता है कि यार
मतलब मैंने कभी जब तक स्पूकी नहीं थी मैंने नहीं सोचा था कि यार मतलब लाइक मेरी जेब में ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे होंगे, 500,000 बस इतने। लेकिन अब स्पूकी आई है, मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, अल्लाह है करने वाला। बस लिटरली आप एक गाड़ी संभाल रहे हो, अक्सर ये नवाब होते हैं बड़े, इनका शौक होता है घोड़ों का शौक, जीपों का शौक, ये महंगा शौक है। और गाड़ियों का शौक भी सस्ता नहीं है भाई, बहुत महंगा है। आप जिस पार्ट को हाथ लगा रहे हो वो 10,000 से शुरू ज़रूर होता है। जिस तरह आप देखो कि स्पूकी की विंडस्क्रीन मेरी HSC ऑटो शो पे तोड़ दी थी कुछ लड़कों ने, वो शो की एंट्री तो उसने मेरा स्पूकी थोड़ी अरूज पे ही चल रही थी, तो काफ़ी लोग कहते थे कि राफे भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। तो इस तरह का सीन होता था। तो वो आए इधर लड़के, ज़रा प्रेस हुई तो विंडस्क्रीन तोड़ दी। मैंने आज तक विंडस्क्रीन दोबारा नहीं लगवाई क्योंकि खाली विंडस्क्रीन 15,000 की है, कौन लगवाया। टूटी भी चल रही है, कह रहे जब तक चल रही है। इसके पास चल रही है वो चलाएगा, मैं नहीं चलूंगा। ये हमने साथ बैठाया हुआ है जो चुप करके बस हमारी बातें सुनेगा और मुफ्त में मतलब मुझे अकेला फील नहीं हो देता, बोलने बोलने के इसको कहीं नहीं। तो हम इनसे पूछते हैं कि शेरा तुम बताओ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे थे स्पूकी के साथ। बस ठीक थे। तो अगर आपने प्रीवियस व्लॉग्स भी देखे तो आपको पता होना चाहिए भाई मेन इन्वेस्टर है स्पूकी का। तो आपको कैसा लगा जब एक चीज़ चली गई जिस पे आपने अपने पैसे भी लगाए थे? 100 में से 100 क्या लगा पे स्पूकी गई है, मतलब स्पूकी के जाने का आपको दुख है और ईके के आने की खुशी है फिर आपको? थोड़ी सी है, बट खैर चले कोई बात नहीं। स्पूकी का जितना धोखा है सबको, इंशाल्लाह एक ऐसा आप ईके को इतना तैयार करेंगे कि आप सबको वो प्रोजेक्ट भी पूरा पसंद आएगा और DHS शो तक हमारी गाड़ी तैयार करने की पूरी पूरी कोशिश है, अगर इंशाल्लाह वो पूरी हो जाए तो। लेकिन उम्मीद कोई नहीं है क्योंकि 10 दिन में कौन सा प्रोजेक्ट होता है, लोगों के हो जाते होंगे वन डे प्रोजेक्ट जो है अमीर बापों की औलाद उनका हो जाता होगा, लेकिन हमें कई महीना पहले सेविंग्स करनी पड़ती हैं, खर्चे कंट्रोल करने पड़ते हैं। 3 से 4 महीने में आपकी एक अच्छी सुथरी गाड़ी तैयार होती है। अब 10 दिन में गाड़ी देखने कितनी तैयार होती है, क्योंकि शो पे तो ऐसी बातें जाना है, बेशक मैं रेंटिंग की गाड़ी लेके जाऊँ, उसको ड्रॉप करके जाऊँ, कुछ भी करूँगा, शो पे तो जाना ही जाना है क्योंकि सारा साल हम वेट इसी दिन का करते हैं। बट कंग्रेचुलेशंस टू न्यू ओनर कला, देख रहा हूँ मैं तुझे, स्पूकी का ख्याल रखना है ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से आपने इंजन भी स्वैप कर दिया उसका, तो बस भाई ख्याल रखना उसका। और आप सब भी अगर स्पूकी को मिस करो तो आप मेरे DM में आ सकते हो, भाई को तसल्ली दे सकते हो, बट कोई बात नहीं यार, पुरानी जाएगी तो नहीं आएगी ना, लेकिन ये तसल्ली मुझे जब भी देता है मैं कहता हूँ यार बात ठीक है आपकी, पुरानी जाएगी तो नहीं आएगी, लेकिन पुरानी नहीं जानी चाहिए थी, मतलब इसके साथ ही आ जाती ना यार एक और, ये क्यों जा रही है, इस तरह का था मैं। लेकिन बट खैर दिस इज What life is। तो मिलते हैं आप सब कल के व्लॉग में जिसमें हमने EK को स्टार्ट करना है, उसका प्रोजेक्ट करना। और अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों ने EK देखी भी नहीं है तो आपको EK भी दिखा देंगे इंशाल्लाह कल ही। हमने कल उसका स्ट्रेट पाइप करवाना है सुबह सुबह, उसके कॉयल ओवर्स टायर रिम्स वगैरह सब कुछ अरेंज करना है, और आपको कल EK का रिव्यू भी देंगे। और फिर मिलते हैं फिर आपसे कल ही, और मेरे ख्याल से इस वीडियो को एडिट की ज़रूरत तो है नहीं कोई। ओके, अल्लाह हाफिज़।